एक ऐसी पवित्र जगह जहां पर रावण बनाना चाहता था स्वर्ग की सीढ़ियां। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में कई पवित्र स्थान हैं, जिनमें लोगों की अटूट आस्था है। आज आपको बताते हैं एक ऐसे स्थान के बारे में जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टॉप 10 में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये पवित्र स्थल हिमाचल प्रदेश से 70 किलोमीटर दूर सिरमौर जिले में है। बताया जाता है कि यहाँ एक मंदिर में रावण ने स्वर्गलोक जाने की सीढ़ी बनाई थी। भगवान शिव का ये मंदिर सिरमौर जिले के मुख्य नाहन से 6 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि रामायण काल में रावण ने स्वर्गलोक जाने के लिए इन सीढ़ियों का निर्माण किया था। जब वो सीढ़ियां बना रहा था, उस दौरान उसे नींद आ गई, जिस वजह से उसके अमर होने का सपना अधूरा रह गया। देहरादून, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के लोगों के लिए ये मंदिर आस्था का केंद्र है। पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि रावण ने अमर होने के लिए कड़ी तपस्या की थी। तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि अगर वो एक दिन में 5 पौड़ियां बना ले तो वो अमर हो जाएगा। पहली पौड़ी रावण ने हरिद्वार शहर में बनाई, जिसे अब हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। दूसरी पौड़ी पौड़ी गढ़वाल में बनाई गई। तीसरी पौड़ी का निर्माण चुड़ेश्वर महादेव में किया और चौथी पौड़ी किन्नर कैलाश में बनाई। पांचवी पौड़ी के निर्माण की बारी आई तो रावण को नींद आ गई और जब आंख खुली तो देखा सवेरा हो गया। पांचवी पौड़ी ना बन पाने के कारण रावण अमर होने से बच गया। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है, भगवान विष्णु ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। तपस्या से खुश होकर ऋषि मृकंडु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि उनका ये पुत्र केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगा। भगवान विष्णु के इस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया, जिन्हें बाद में मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाना गया। 12 वर्षों तक ही उनकी आयु होने के कारण मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने अमर होने के लिए लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। मार्कंडेय ऋषि के 12 साल पूरे होने के बाद जब यमराज ने उन्हें लेने के लिए अपने दूत भेजे तो उन्होंने शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया, जिसके बाद शिवजी ने दर्शन दिए। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से सदैव अमर होने का वरदान मिल गया। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें टॉप 10 के साथ।